हेलो एवरीवन, एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस मार्बल केक। ये केक बहुत ही आसानी से बन जाता है और दिखने में लाजवाब है। एगलेस केक बनाने के लिए नॉर्मली तो कंडेंस्ड मिल्क यूज किया जाता है, पर आज हम कंडेंस्ड मिल्क के बिना ही ये केक बनाएंगे। इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो हमने ली है 1 कप पीसी हुई चीनी, 1 कप मैदा, 1/2 कप दही, 1/3 कप सॉल्टेड बटर। आप इसकी जगह पे अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। फिर हमने लिया है 1/4 कप दूध, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा वैनिला एसेंस। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन में रूम टेम्परेचर बटर ले लिया है। इसको हम अच्छे से स्मूथ होने तक फेंट लेंगे। हमने बटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें शक्कर डालते जाएंगे और इसे फिर से फेंटते जाएंगे। ये पीसी हुई चीनी हमने ले ली है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिलाते जाएंगे। तो ये बटर और शुगर मिक्स हो गए हैं। हम इसमें डालेंगे दही और 1/4 कप दूध। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसके लिए हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर की वजह से काम आसानी से हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वैनिला एसेंस। हमने करीबन 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस में डाला है। हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं। हमने एक छलनी में ले लिया है 1 कप मैदा। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से छान लेते हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके वेट इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर में ड्राई इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे। हमने करीबन 1/2 मैदा इसमें ले लिया है और इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। बचा हुआ मैदा भी हमने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। इस बैटर को हम 2 समान भागों में डिवाइड कर लेंगे। बैटर का एक हिस्सा हमने वैसा का वैसा रखा है और दूसरे हिस्से में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सबसे लास्ट हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टेबलस्पून उबलता हुआ पानी। मार्बल केक बनाने की एक अलग प्रोसीजर है। इसके लिए हमने एक बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से हमें इसके लेयर्स बनाने। तो हमने की शुरुआत वैनिला बैटर से। अब हम इसके बीचों बीच चॉकलेट वाला बैटर डाल देंगे। ये काम हमें बहुत ही बारीकी से करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम हमारे लेयर्स बनाते जाएंगे। बैटर खत्म होने तक हमने करीबन 15 से 20 लेयर्स बना लिए हैं। अब हम एक टूथपिक की सहायता से इसमें थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे। हमने ये काम बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। तो ये हमने इस पे डिजाइन बना दिया है। तो हमारा बैटर माइक्रोवेव में जाने के लिए रेडी है। हमने हमारा माइक्रोवेव 180 डिग्रीज पे प्रीहीट कर लिया है। इस बर्तन को हम माइक्रोवेव में रख देते हैं और करीबन 35 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेंगे। 35 मिनट हो गए हैं, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमने टूथपिक इंसर्ट करके देखी, वो बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। हमारा केक रेडी है। इसे हम साइड से अलग कर लेंगे। तो ये हमारा मार्वलस मार्बल केक बिल्कुल रेडी है। हम इसे सर्व कर देंगे। तो आप भी ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और ऐसी ही नई नई और लजीज रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट।